यह फिल्म और इसके निर्माता बाल मजदूरी, बाल शोषण एवं बाल हिंसा की निंदा करते हैं। दो दिन से तेरा फोन लगा रहा हूं, बंद ही बताते जा रहा है। दो दिन से चार्ज करना भूल गया भाई। चार्ज करना भूल गया? वो विनोद को भी भेजा था मैंने दुकान पे, तो साथ वाले कह रहे हैं कि पांच दिन से दुकान भी बंद है। कितने दिन से बाहर नहीं निकला तू? देख, मैंने कभी अपने लिए भी किराना नहीं खरीदा है, तेरे लिए लाया हूं, कम से कम जवाब तो दे सकता है तू। कुछ दिखाता हूँ तुझे। दिखाता हूँ? क्या दिखाता हूँ? साले तूने ना मुझे पिज्जा डिलीवरी वाला बना दिया है। क्या है? रुक तो। क्या इसका चक्कर चल रहा है उसके साथ? बच्चे हैं इसके। बस बच्चों को पता लगने की देर है, पूरे मोहल्ले को खबर हो जाएगी। सड़ी जगह है। ये सब छोड़, ये पकड़। तेरे लिए काम ढूंढ लिया मैंने। वो बाजार वाले तिलक भाई है ना, उनके साथ में रिपेयर का काम है, बस इस बार तू पहुंच जाना। वापस कर दूंगा मैं।
एक और बात है, कुछ दिनों से शौकत तुझे ढूंढ रहा है। मैंने बताया नहीं तू कहाँ रहता है। अच्छा, यूं से पता नहीं, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। 23 साल के बाद याद आई उसे अपने भाई की, हैं? मिलेगा तो, भाई है तेरा। नहीं मिलना। मैंने तो सोचा तुझे बता दूं। चल निकलता हूं, पर तू भी बाहर निकल खुली हवा में, यहां पड़ा पड़ा सड़ जाएगा अपने कॉकपिट पे। कल बताया था ना, कल। अरे देखता क्या है, चल डिलीवरी के सारे पते लिख दिए मैंने यहाँ पे, सबसे पैसे लेकर आना। और सुन, कोई उधारी नहीं। से यार इसकी दुकान बंद है। हाँ यार, मुझे उसके यहाँ के खिलौने बहुत पसंद थे और चौकस चौकस लड़कियाँ। लड़कियाँ देखने जाते हैं क्यों वहाँ पे? तू आम पापड़ लेने जाता है। भाई मैं तो लड़कियाँ ताड़ने आता हूँ, आम पापड़ को तू छोड़। उसकी दुकान में पहले लोगों की भीड़ लगी रहती थी ना। हाँ यार, आराम से चल, थोड़ा धीरे चल यार। रुक जा, इतना तेज क्यों चल रहा है? चल चल जल्दी चल, मेरा अब्बू इंतजार कर रहे होंगे दुकान पे। No.
मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी इसी इलाके में रह रहे हो। अच्छा, मैं तो यही हूं। मैंने कुछ लोगों को फोन किया, किसी को तुम्हारे बारे में मालूम नहीं था। नाम बदल लिया तुमने, ढूंढने में काफी मुश्किल हुई। हाँ, वो गणेश जी बता रहा था। कैसे हो तुम? मैं मसरूफ हूँ, अपनी जगह है। खैरियत है? मैं ग्रेटर कैलाश में रहता हूँ। मेरी कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, हम कपड़ों का बिजनेस करते हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट। और घर परिवार सब? हम चार लोग हैं, मेरी बीवी और दो लड़कियां। अम्मी को गुजरे कुछ अरसा हो गया। हाँ, पता चला, मुझे पता चला था। मेरी लड़की जेबा, जल्दी उसका निकाह है। मैं जेबा को उसके निकाह पे कुछ खास देना चाहता हूँ। अम्मी ने बताया था कि उनके सामान में एक हार था जो यहीं रह गया था। मैं चाहता हूँ कि वो तुम मुझे दे दो। इस पे मेरा नंबर है, मिल जाए तो फोन कर देना, मैं किसी को भेज दूंगा लेने के लिए। बस यही बात? तुम्हें देख के अच्छा लगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्लास का कितना है? सर 500 रुपए। बैठे कितनी दूर है? काफी दूर है सर। कहाँ था तू सारे दिन? अबू ने डिलीवरी के लिए भेजा था। पूरा दिन? चल हट, जानती हूँ मैं तू कहाँ कहाँ घूमता रहता हूँ। लोगों की छतें टापते हो, उनके घरों में झांक के देखते हो, यही करते हो ना? क्या हुआ, आज प्यार नहीं मिलेगा मुझे? मुझे ही करना पड़ेगा। चलो, ये अम्मी की तरफ से, ये छोटू की तरफ से, और ये आने वाले की तरफ से। आज ना मैंने ना बच्चे के लिए नया नाम सोचा है। अब वो तुझे ढूंढ रहे थे पता है? इकबाल। कल के नाम में क्या खराबी थी? ये उससे बेहतर है। और लड़की हुई तो? नहीं नहीं लड़का ही है। कैसे पता? शर्त लगा लो। पागल है तू। मैं जीता था, चॉकलेट मेरी। चल ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। अबू भी नहा रहे, जब मैं बोलूँ ना तो ये पैसा उनको दे देना, ठीक है? मैं इसको सुना के आती हूँ।
अम्मी चलने दो ना, मुझको अच्छा लग रहा था, बाद में चला दूंगी। पर नहीं, दवाइयाँ जो दी थी ना कल आपने, वो असर कर रही है, दर्द कम हो गया थोड़ा। डॉक्टर ने कहा था ये असर करेगी। चल अब बैठिए, आती हूँ। लात मार रहे है, सारा दिन बहुत लात मार रही है। कहा था ये सारा दिन? डिलीवरी करने में एक डेढ़ घंटा लगता है। अरे नहीं, वो सारा दिन उसका इंतजार कर रहा था मैं दुकान में। ईदू को मैंने भेजा था फरीदा के वहां, सोचा कि बच्चा है तो बहाने तो नहीं बनाएगी। काफी टाल रही है वो, मुझे मिलती नहीं है। अरे नहीं, मैंने भेजा था इदू को, दिए हैं उसने पैसे, दिए हैं कुछ तो चुकाया है। इदू आके जरा दे दे, फरीदा खाला ने जो पैसे दिए ना। अरे अब्बा खा रहे हैं ना, तुम इधर आ जाओ उसे। बटवे में डाल दे। ला मेरे को दे। कितने पैसे? मैंने गिने नहीं। कुछ बताया उसने कितने देगी वापस बाद में, बाकी के पैसे? बोला कुछ? आज घर आते वक्त मिली थी वो रास्ते में, बोल रही थी थोड़ा और वक्त चाहिए, भूल गई थी वो शायद, उसने उसको पैसे दे दिए। नहीं नहीं माफ कर दीजिए, मेरी गलती। तेरे लिए करता हूं मैं सब कुछ, तू मेरे को झूठ बोलता है। सुनिए तेरे लिए करता हूं, उसको मत मारिए। तू मेरे को झूठ बोलता है, तेरे को झूठ बोलता है, समझता मेरे को साला। नहीं, 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 नहीं
इद्दू अंदर आ जा बेटा। सुनो, तुम यही रहते हो? मैं किसी को ढूंढ रहा था। वो यही कहीं रहता है? दिवाली आ रही है, खूब सारा काम आएगा, तेरी तरफ भेजता रहूंगा। फिलहाल ये पकड़, ये पता रख ले, इस पे पहुंच जाइयो। एक हुदूस, क्या हुआ? यो, उस लड़के को पीट रहा था यार, मैंने सुना। कौन सा लड़का? हमारी हमारे घर के पीछे जो गली है ना, और हमारे घर तो सटे सटे हैं, तो मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था भाई। लेकिन इस साले कैमरे कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे। मुझे कुछ और कैमरा चाहिए। पागल हो गया क्या? पड़ोसी को अगर पता चल गया तो? पहले को नहीं चाहता तू यहाँ रहे? मुझे कोई डर लगता है क्या इनसे? सबकी असलियत पता है मुझे, और मेरे कैमरे तो सालों से यहाँ पे। मैं सुबह उसको ढूंढने गया था यार। तो हो गया क्या? अगर देख लिया किसी ने तुझे लोगों के घरों में झांकते हुए तो? गणेशी भाई, हमारी कोठरी तो सालों से बंद है, पता नहीं कब से चल रहा होगा ये। जाने क्यों दूं यार? ये सोचते हुए कि वहां कुछ चल रहा है, एक बच्चे को सलाम दे। मैं पता करता हूं, लेकिन तू ये कैमरे वैमरे को चक्कर छोड़ दे, और अगर आवाज ज्यादा तंग करी तो कान में रुई डाल ले। काका, मुझे डांटा नहीं कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है बस। अरे तेरे से प्यार करता हूं इसलिए चीखता हूं। Let me look you.
इदू खाना तैयार है, आ जा। अरे मोमबत्ती में क्यों पढ़ाई कर रहा है? कितनी बार बोला है, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। इदू सुबह से कुछ नहीं खाया है, चल खाने आ वरना मैं भी नहीं खाऊंगी कुछ। अरे अब्बा डिलीवरी किए गए हैं, चल आ जा, हम तीन ही हैं, आ जा। ये ले तेरे लिए भिंडी बनाई है, आ जा। क्या हुआ, आज कोई नया नाम नहीं दिया तूने? शाहिद। शाहिद अच्छा है, इकबाल से भी ज्यादा अच्छा है। अम्मी, लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं? दोनों लोगों में प्यार हो जाता है, फिर शादी कर लेते हैं, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही होता है। जो कोई भी शादी करता है उन सभी के बच्चे होते हैं। हाँ मतलब ज्यादातर तो होते हैं, कभी कभार अगर कोई बीमारी हो तो, या अगर नहीं चाहते तो नहीं होते। क्यों नहीं चाहते? अरे मुझे क्या पता भाई, उनकी मर्जी। किसकी मर्जी? अम्मी और अब्बू की मर्जी। कभी अम्मी की मर्जी ज्यादा होती है, कभी अब्बू की मर्जी ज्यादा होती है। आपको क्या बच्चे पसंद थे? मुझे तो बहुत शौक था बचपन से। और अब्बू को? हाँ अब्बू को भी। आप दोनों ने क्या इसलिए शादी की कि आपको बच्चे पैदा करने थे? नहीं ऐसी बात नहीं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हार मिला, मैंने तुम्हें कितना फोन किया, तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, इसलिए अब मुझे खुद आना पड़ा। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं। हाँ मिले यहाँ कैसे है, बहुत कीमती है जिंदगी में। पहली बार मैंने तुमसे कुछ मांगा था, देख अपने आप को, घिन आती है मुझे तुझसे।
कब तक झूठ बोलता रहेगा, खुद से लोगों से? मैं नहीं होता ना तो तू सड़ होता है यहाँ पे। वो तो आजाद कर दिया मैंने तुम लोगों को। मजे कर भाई, सड़ता रहे यहीं पे। भिजवा देना घर पे ठीक। याद से ये दो इधर आ। दोबारा नहीं होगा ठीक है। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। क्या तुम्हारी अम्मी और मैं अच्छा अच्छा मुझे फरीदे के यहाँ डिलीवरी करने जाना आता हूँ। क्या हो गया, हाल नहीं देख रहा पिक्चर? हाँ वही तो जा रहे हैं नरेश भाई के पास। तूने कितनी पिक्चर देखी होंगी? चार ही देखी हैं बस। नरेश चाचा सलाम। सलाम सलाम, आ गए तुम?
बहुत दिनों बाद आए। क्या कर रहे हो आप ये? अरे लगा रहे हैं जिंदगी गाड़ी को धक्का, काम बहुत मशक्कत वाला है ये। मैं मदद कर दूं कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ। और तुम्हारी मदद करने तो आए नहीं हो यहाँ, मुझे मालूम है क्यों आए हो। क्या कुछ सीखोगे? नहीं नहीं। तो जाओ फिर, जाके देखो फिल्म। लेकिन नहीं, मैं इंडिया गई टेस्ट क्रिकेट में। पक्का जब बोलेगा, जिस पे बोलेगा उसी पे पैसे लगाऊंगा, तू सब जानता है यार। शर्त लगाने में माहिर है, बस तुम सबसे समझदार हूँ। हाँ यार, तू सबसे समझदार है। ओनी है भाई, तुम लोग इधर ही रहते हो? वो हम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। दोस्त भी इधर ही रहता है? हाँ, यही पीछे बिल्डिंग में रहता है। दर्द होता होगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा। कैसी लगी? क्रिकेट खेल रहा था, चोट लग गया। चल यार, चलना हम कैसे कैसे घुमा यार।
अरे इदू कहाँ था? अब्बा भी नहीं आया अभी तक। अच्छा ये तो देख के जा, कैसा? अच्छा है? ठीक है ठीक है। क्या दरवाजा बंद कर, क्या कर रहा तू यहाँ? कपड़े बदल रहा था। कपड़े बदल? कैसा रखा है पूरा कमरा? पसार के पूरा हाँ? ये किताब उताब कैसे सब ठीक से रखा कर हाँ? कपड़े देख, तेरे मम्मी बता दी ना ये क्या है? कैसा रहा आज का दिन? ठीक रहा। ये लो आज की पूरी कमाई। अच्छा ये देखो ये ले रख ले, इधर आए तू शुरू शुरू में किसी को यह काम अच्छा नहीं लगता मालूम, सब आसान लगने लगेगा फिर तेरे को। फिर ऐसा 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 काम करेगा तू। चल खाना खाते हैं ना? हाँ, मैं लगा देती हूँ।
अरे आना, तू कितना सवाल क्यों कर रहा है? कहाँ पे? हाँ, अपने बाप का कारनामा दिखाने जा रहा हूँ तुझे। ये देख कबाड़ खाना, मेरे बाप को कुछ भी सस्ते में मिल जाता है ना, खरीद लेता है। हैंडपंप भी खराब है। तू मत जा यार, चल घर चलते हैं। क्या है यार इसे, क्या दिखता है, बकवास। इद्दू ये देख, धसी हुई जमीन, टूटी हुई छत, यही सब दिया है मेरे बाप ने मुझे तोहफे में। यही तरकीब है उनकी तेरे को यहां से ना निकलने देने की। काम पे था। अरे उठ जाना आप तो। अरे शांति तो है, चला जाना उधर। हाँ तो पूछ कहाँ है, घर पे जाकर पूछ। अरे उसको भी बोल दूंगा यार, तुम तो निकलो घर से। कितने देर में निकलोगे? जा करके देख उसके घर में और बता मुझे। हाँ इंतजार कर रहा हूँ तेरे फोन का। सुबह से फोन लगा रहा हूँ, मकान मालिक को उठा ही नहीं था, उसके ही आदमी। अरे संभल के भैया। तूने साले एक साल से भाड़ा नहीं भरा। ये देख नोटिस लगा हुआ, कितने हफ्ते हो गए। तारीख दे, तारीख। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो यहीं पे था। यहीं पे तो तू देखा कैसे नहीं, भाड़ा क्यों नहीं भरा? कब आया तू आखिरी बार यहाँ? वो कुछ दिन पहले वो शौकत आया था ना, वो हार लेने बताया था ना तुझे। उसको तो एक महीना हो गया। नहीं यार, महीना नहीं। क्या भूल गया क्या? ठीक तो है तू? हाँ ठीक हूँ मैं। ये हाथ पे क्या हुआ तेरे? ठीक है। था कहाँ तू? अरे मशरूफ था मैं। मशरूफ था? अरे कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा, फिक्र नहीं। सारा ये सामान मेरे गोडाउन में डालना पड़ेगा। मैं कर लूंगा यार, मैं कर लूंगा। तबीयत ठीक है तेरी? तबीयत ठीक है तेरी? हाँ ठीक है। क्या तुम्हें अपने
वजन में कुछ फर्क दिखा है? नहीं जी। तुम काफी अंडरवेट हो, ठीक से सोते हो? अक्सर देर से सोता हूँ और जल्दी उठ जाता हूँ। बीड़ी सिगरेट पीते हो? दो और या तीन पैक बीड़ी। ड्रग्स? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं, बस कभी कभार शराब पी लेता है। ये क्या हुआ? वो अब ये खाना बनाते हुए कट गया था। वैसे ठीक है। तुम आज की तारीख पता है? 20 जुलाई जी। फिक्र की बात है क्या डॉक्टर साहब? अगर ध्यान ना दे तो रिस्की हो सकता है। स्ट्रेस और नींद की कमी की वजह से परेशान है। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं ठीक हूँ भाई। तुम्हारे पड़ोस में एक बच्चा है, तुम जिसकी मदद करना चाहते हो। इसने बताया आपको? तूने बताया? उसी के बारे में रात दिन सोचते रहते हो, परेशान रहते हो जी। डर लगता है कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो उसे कुछ हो जाएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और कौन मदद करेगा जी? हमारे मोहल्ले में तो सारे स्वार्थी, कोई आगे नहीं आने वाला है। वो किसी के तकलीफ में आता नहीं है। बच्चे की बात ही छोड़ो, हर घर में बच्चे भी लगते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे की चीख सुनता कौन है? देखो जब चाहे जो भी हो जाए, मैं उस बच्चे की मदद तो करूंगा।
अरे तू आ गया, मैंने देखा ही नहीं, कब आया? अच्छा सुन, छोटू को संभाल ले, अबू जाने से पहले मुझे खाना बनाना है ना। हाँ आ जा। बहुत अकेला महसूस करती हूँ। कुदूस, तेरे को पता नहीं सब नहीं होता यहाँ पे, चल बंद कर रे, चल बंद कर ये सब, चल कर इसको, चल बैठ मेरे। तो भाई तेरे भेजे में ये बात नहीं घुसती क्या कि यहाँ ये सब काम नहीं होते हैं? हैं? ये मैं हूँ, मैं जिसकी वजह से तुझे ये रोटी नसीब होती है, वरना यहाँ तुझे कोई घुसने ना दे। ये बात तू भी जानता है भाई। मुझे खाना ठीक है, चल माफ कर दे, गलती हो गई, मैं खाना खा। क्या खाना? चल निकल यहाँ से। किसको दे रहा धक्का? किसको दे रहा? कह रहा मुझे खाना खाना, धक्का दे रहा। हाथ नहीं लगाना मुझे, क्या देख रहे? रजिया सुल्तान चल रही है, सब एक जैसे जानवर साले। खाना खाने देता है, पैसे भी तो लेता है। बोलाओ भाई खाना खाने दे, बात समझ नहीं आ रही है इसके। खाने के लिए पैसे दो, तमाशा देखो, बात समझ नहीं आ रही। हाथ लगा ऐसा ना, एक आदमी अच्छे से बात कर रहा, बात कर ले। शंकर भाई कहाँ? मुझे नहीं पता, रुक मैं ढूंढ के आती हूँ। शंकर भाई कहाँ चले गए? शंकर भाई, अरे शंकर भाई, शंकर भाई, शंकर भाई। हाँ बोल। ये वो जिसके बारे में आपको बताया था,
कहाँ जाएगा भैया? कहीं भी, बस दूर। दूर दूर की कोई टिकट मिलती है? तुम खुद क्यों नहीं ले आते? शंकर भाई, काउंटर वाले देते नहीं है, बोलते बच्चे हैं। अकलमंद बच्चों को मिलती है टिकट, तुम जैसे बेवकूफ होगा नहीं। और पुलिस का भी बहुत लफड़ा है। मदद कर दो ना शंकर भाई। 500 रुपए लगेंगे और टिकट के अलग। ये तो बहुत ज्यादा शंकर भाई, थोड़ा कम करो ना। आगे अपने बाप कितना भाव तोल कर ले। चल निकल यहाँ से फुट। पैसे हैं मेरे पास। पैसे हैं तेरे पास? कहाँ से जुगाड़ किया भे? अगर तेरे पास पैसे हैं तो समझ तू 2 दिन में यहाँ से बाहर। चल निकल अब इसको लेके फुट यहाँ से। मुझे बस अम्मी की फिक्र है। ये गली गुलियां किस तरफ है? इद्दू, तू एक और बारी सोच ले यार। तू यहाँ नहीं होगा, मेरा होमवर्क कर। भाई और मैथ्स। भाई मदद कर दे यार, तो मैं मैथ्स में फेल। और मैं इंग्लिश में। मदद कर सकता है? तेरी याद बहुत आएगी। क्या मैं खो गया हूँ? अरे कौन सी गली है? तो कोई गाना याद है? वही वाला यार, भाई वाली फिल्म जो हमने देखी थी। अरे दरेसी भाई के कमरे पे नहीं देखी थी हमने? जाने वाले ओ जाने वाले। अरे मैं तुम से बात कर रहा हूँ।
इंजू इधर आ, देख मैंने क्या निकाला है तेरे लिए। संदूक में पड़ी हुई थी सब, ये देख तेरी पहली सालगिरह पे। पता है जब पैदा हुआ था ना तो आया तुझे नहला के मेरे पास, जब लेके आई पहली बार वो तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब टुकुर टुकुर करके देख रहा था, लंबे लंबे घुंघराले बाल। कितने खुश थे हम लोग। एक बार पता है यहाँ पे तू नहा रहा था ना तो मोहल्ले की सारी लड़कियां आ गई, बोला नहीं हम नहलाएंगे इसे, तो तू नंगा उनके बीच में खड़ा था और अब्बू ने फोटो खींच ली, कहाँ है वो नहीं मिल रही। यहाँ नहीं है शायद, अच्छा इसी में होगी। ये देख मेरी अम्मी ने दी थी निकाह के दिन, कहा था बक सही हो ना खोटा सिक्का भी काम में आता है। मेरी बात ध्यान से सुना, जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना कभी उम्मीद मत छोड़ना। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खड़ा हो। चल नीचे उतर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने देखा है तो रास्ते ही पड़ा हुआ है। यहाँ की सूरत तेरा घर का है? अब क्या हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम काम पर जाएं ये यहाँ पे ना पड़ा हो? सर यहाँ की बहन बेटियों ने इसके डर के हमारे गली मोहल्ले के निकलना बाहर बंद कर दिया। इसके तो आस पास रहने से भी डर लगता है। निकालो इसे यहाँ से, निकालो। फांसी दे देनी चाहिए। दो रुपये का आम पापड़ चूरन देना, हमेशा आपकी दुकान से ले आता था आम पापड़ चूरन, बीच में आपने दुकान बंद कर दी थी। आपके बीवी बच्चे के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। आपका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमारी मैम ने बताया कि आपका बेटा एक्सीडेंट में मर गया। वो एक्सीडेंट नहीं था। कहाँ था तू एक हफ्ते से? तो शक्ल नहीं देखा था मैंने। मैथ्स बकवास चीज, समझ भी नहीं आती। तू मेरे घर आके मेरा काम कर दे मैथ्स का। क्या हुआ? शिब्बी ने आखिर अपनी दुकान खोली ली। मैंने बताया था ना तुझे, मैंने उस घर में एक फोटो देखी थी। हाँ। उसकी बीवी ने अपने बेटे को मार के आत्महत्या कर ली। वो यहाँ रहना नहीं चाहते थे, शिब्बी उन्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। तुझे उसने सब कुछ बताया? वो इसलिए मरे कि वो यहाँ से निकल नहीं पाए। डॉक्टर को बोला।
मैं अबू को ले जाता हूँ। घर इधर खुले ये दो छोटू बस मम्मी घबराना ना मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर और जोर लगाओ और जोर लगाओ। इधो चादर छोड़ो मेरी बात गौर से सुनो। अम्मी की दोनों टांगे पकड़ो जल्दी करो कस के पकड़ो इधो कस के पकड़ो जोर से। अम्मी को सोने नहीं देना थोड़ी देर और बस थोड़ी सी देर। इधो ये मेरे बक्से में से कैंची निकालो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो इसे काटो। इधर जल्दी करो इधर घबराओ मत जल्दी करो। पुरुष आ जा बच्चा कैमरे पे दिखा नहीं कुर्सी कुर्सी बाहर गया और बैठे बैठे आंख लग गई। बस खुद ये आखिरी बार मैंने तेरी मदद की तेरे घर वाले सही कहते हैं तेरी हालत सुधरने वाली नहीं है। बस तेरी ये जो करतूतें हैं ना ये मुझे भी नहीं डूबेंगी। बच्चा 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 करता रहता है निकलना तू चाहता यहां से तू। अब मैं समझ गया हूं तू यहां से निकल पाएगा ही नहीं। जा अपने भाई को लेके अंदर कमरे में जा जा।
तुझे भूख लगी होगी, कुछ बना दो। नहीं मुझे नहीं खाना है। अम्मी क्या वो लड़का था कि लड़की? लड़का। फरीदा खाला ने उसे दफना दिया। अबू ने दफना। तूने कोई नाम सोचा था उसके लिए? अकरम। अच्छा है। अम्मी हम यहाँ से कहीं चले जाएं? चल नीचे। क्या पीछे पीछे आ रहा है? खा ले कुछ, देर हो गई है बहुत। चल बता कहाँ जाना है तुझे? कहीं भी, बस यहाँ से दूर। तुम और छोटू, अब्बू को पता भी नहीं चलेगा। तो कब उठी? बस थोड़ी देर पहले। अरे तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ला। नहीं नहीं छोड़िए, ठीक है। दवाई ली? जा बेटा अम्मी की दवाई लेके आ। जा। एक गिलास पानी लेके आ जा। दफना दिया, इसे नजरअंदाज मत करना। एक हफ्ते की दवाई है उसमें, ले ध्यान रखना। मम्मी दवाई ले वक्त पे। अब क्या फायदा इस ड्रामे का? क्या बोला? अगर आप यहाँ होते तो हम मम्मी को अस्पताल ले आते, मेरा भाई जिंदा होता। इद्दू बिल्कुल चुप, आपकी वजह से मरा है मेरे भाई। इद्दू आपने ही मारा है मेरे भाई को। दोबारा बोल। आप नहीं मारा मेरे भाई को। नहीं मारी मत, वो बस उदास है ऐसे ही बोल रहा है। निकल मेरे घर से, निकल। सुनिए। चल निकल। हाथ मत लगा मुझे। चल निकल मेरे घर से। क्या कर रहे हैं आप दोनों? चल चल निकल। छोड़ मुझे। निकल मेरे घर से, निकल। चल निकल यहां से। रुकिए। बाप पे हाथ उठाता है बदतमीज, बाप पे हाथ उठाता है। आज तुम मैं मारूंगा तुझे, मार लूंगा मैं इसको जान से। बाप पे हाथ उठाता है, बाप पे हाथ उठाता है, ये बाप पे हाथ उठाता है। तू मार तो काट, मार तो लाश तुझे। फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन है तो बोलना, मैं ढूंढ रहा था उसे। चाटी बजे पुलिस स्टेशन।
इद्दू, तू क्या है यहाँ पे इद्दू? गिन्नी, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू यहाँ पे है? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? और तू यहाँ पे है? मुझे बताओ, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। कौन? इधर आ। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता। मैं वहां से भाग आया। ये बता, तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? पड़ोस वाली आंटी ने बताया था कि तुम्हारे घर में कोई घुसा है। मैं सोचा इद्दू होगा। वही कातिल है, उन्होंने मार डाला मेरे भाई को। क्या? कल रात को मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मेरा भाई खून में लथपथ था। वो मुझे ही मार डालेंगे, हम सबको मार डालेंगे। मेरे घर जाएगा, मैंने अपने कमरे में पैसे छुपा रखे हैं, वो लेकर तू मुझे रेलवे स्टेशन पे मिल। पागल जैसी बात मत कर, चल घर चल। छोड़ मुझे, तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता। मेरी मदद कर दे, मैं यहां नहीं मरना चाहता। सारा, पहले संभाल इसको। तू कहाँ था तू सारे पे? हाँ, जानता है कितनी परेशान थी मैं। क्या क्या कहाँ था तू? क्या कर रहा था? बोल कहाँ था। लो देखो इदू, कहाँ जा रहे हो? मैं बात कर रही हूँ ना तुमसे। चलो जाके बैठो वहां पे। कहाँ कहाँ भटक गया था सारे दिन? कोई परवाह है कि नहीं मेरी? मतलब ही है और कुछ नहीं। इसको थोड़ी परवाह है तुम्हारी?
रेलवे स्टेशन अकेले चला गया था ये, ट्रेन में चढ़ के भागने की कोशिश कर रहा था। कहां से मिला इसको ये आइडिया? हैं? इतनी तो अक्कल है नहीं इसमें, तूने सिखाया होगा इसको? सारा दिन खाली बैठे रहती ना तू, अकेला था तो क्या करने की सोचा था तू? हैं? सड़क पर रहता, नंगा घूमता तू, खाना खाने के लिए कटोरे में भीख मांगता तू, हैं? भिखारी कहीं का? समझ गया वो, आगे से नहीं करेगा। तुम लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत करते रहता हूँ, अब बदले में ये देते हो तुम लोग माँ बेटे? नजर रखूंगा मैं आपसे, आपसे यहां से तू कभी भी नहीं निकल पाएगा। पता है तू, पांच भाइयों में ना मैं अकेली बहन थी। अब्बू और मेरे भाई राजकुमारी की तरह रखते थे मुझे, खूब प्यार करते थे। बनारस में हमारा बड़ा सा घर था, खुला आंगन, बागीचा, ढेर सारे फूल। हर शाम को ना मेरे भाई और मैं फूलों के इर्द गिर्द खेलते थे। अबू बांसुरी बजाते थे, मम्मी कुछ सिलाई बुनाई का काम करती थी। अबू की बांसुरी की आवाज अभी भी मेरे मन में गूंजती है। फिर मेरी शादी हुई और मैं यहां चली आई। सब कुछ बहुत अलग था यहाँ, कोई घर वाला नहीं, दोस्त नहीं, खुला आंगन नहीं, कहीं जाने कोई नहीं। घंटों बैठ के रोती थी मैं, फिर धीरे धीरे आदत लग गई उस जगह की, इन लोगों की। वो घर की यादें है ना, धुंधली होती गई, खो गई इन गलियों में कहीं। फिर जब तू पैदा हुआ ना, तो इन सब का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा।
तो सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन इस साले कैमरे कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे। बहुत हफ्तों से दिखाई नहीं किसी ने, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था, कहाँ चला गया?